चलिए, आपका रिवीजन हो गया चैप्टर नंबर 1 का, जो यूनिट 1 है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगी कि जब भी आपको केस स्टडी आएगा, आपने उस केस स्टडी को कैसे अप्रोच करना है, मींस उसको एग्जैक्टली आपने कैसे लिखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट 1 का नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आपको उतने सेक्शन तो जरूर याद करने हैं। अगर आपको याद है पेपर में तो उसको कोट करना, अगर याद नहीं होगा तो रॉन्ग सेक्शन कभी भी कोट नहीं करके आना। फिर आप जो है एक्ट को जो वहां पर मेंशन कर दो, आपको सेक्शन नहीं याद है तो आप सेक्शन कोट नहीं, रॉन्ग सेक्शन को कभी भी कोट नहीं करेंगे, राइट। आपको कोई भी केस स्टडी आएगी, पहले आप लिखो, देखो कि क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने कैसे हैं। आपको कोई भी केस स्टडी आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि उस क्वेश्चन पर, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, कि उस क्वेश्चन पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। आप जब एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बताओगे तो साथ में आपने बताना है कि कौन सा सेक्शन, अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो मत लिखो। पहले आप वहां पर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बताओगे, कौन सा एक्ट लग रहा है। फिर उसके बाद जो आपने एक्ट वहां पर कोट किया है, मेंशन किया है, तो उसका कौन सा प्रोविजन, मींस के वो एक्ट जो केस स्टडी दी हुई है उसके बारे में क्या कह रहा है, उसमें वहां पर उस एक्ट में कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो उसके बारे में बात कर रहा है। तो आपने अभी केस स्टडी के बारे में नहीं लिखना, आपने लिखना है कि वो प्रोविजन ऐसा ऐसा कह रहा है। अगर उस प्रोविजन के रिगार्डिंग आपको केस लॉ याद है तो फिर उसके बाद, प्रोविजन के बाद आप केस लॉ को मेंशन करेंगे। केस लॉ को मेंशन कर दिया, फिर ये सब कुछ बताने, पूरा आप माहौल बनाएंगे पहले कि हमें एक्ट पता है, कौन से प्रोविजंस लगेंगे वो हमें पता है, केस लॉ इसके रिगार्डिंग क्या होगा वो नहीं याद है, छोड़ दो केस लॉ। उसके बाद फिर आप बताओगे फैक्ट्स, फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस, जो गिवन केस है उसके सारे फैक्ट्स बताओगे, मींस जैसे वो लिखा हुआ है उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपने वही सेम जो है वो लिख देना है। फिर आपने प्रोविजंस बता दिया, केस लॉ बता दिया, फैक्ट्स बता दिए, एंड में आप कंक्लूड करोगे कि आप जो कह रहे हो या जो केस स्टडी में दिया गया है वो ठीक है या नहीं है, क्यों नहीं है, वो कंक्लूजन आप एंड में करोगे। तो जब भी आप केस स्टडी लिखोगे, आप लिख लो आपने कैसे लिखना है, तो इन्हीं स्टेप्स में लिखना। पहले एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बताओगे, फिर प्रोविजन बताओगे, फिर केस लॉ बताना, फिर फैक्ट्स बताना, फैक्ट्स तो वही क्वेश्चन सेम आपने यहाँ पर लिख देना है, फिर कंक्लूजन बताना, जो भी आपका, जो भी आप जिस भी डिसीजन पे पहुंचे हो कि कैसे पहुंचे, वो आपने एंड में लिखना है। मैम इतना समझ नहीं आया, देखो आपके यहां से समझाती हूँ, आइए आप अपनी बुक में आइए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर अगर जैसा मैंने दिया है अगर वैसा ही करना है तो मुझे बताओ कि कैसे लिखोगे, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है। लिखोगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये लिखोगे। अच्छा कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, आप मुझे बताओ कौन सा सेक्शन इस पे एप्लीकेबल होगा, कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 2E जो एग्रीमेंट के बारे में बताता है और 2H जो कॉन्ट्रैक्ट के, तो साथ में सेक्शन भी लिख दो, याद है तो, राइट। फिर उसके बाद आप बताओगे कि प्रोविजन क्या कहता है, आप बताना कि एग्रीमेंट क्या होता है, कि ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, उसके जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है उसको प्रॉमिस कहते हैं, वहां पर अगर कंसिडरेशन टू ईच अदर होता है तो वो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट आपके सोशल हो सकते हैं और लीगल हो सकते हैं, तो एग्रीमेंट का स्कोप काफी बड़ा होता है। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओगे कि सेक्शन जो है 2H बोलता है कि वो वाले एग्रीमेंट्स जो हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उन्हीं को ही हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में रखते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट का ही पार्ट होता है, बट सारे एग्रीमेंट नहीं होते, मतलब ये प्रोविजन पूरी कहानी आपने लिख देनी है। तो यहाँ पर कोई केस लॉ तो नहीं आएगा क्योंकि कोई केस स्टडी है ही नहीं, केस लॉ नहीं आएगा, उस सेक्शन को छोड़ देंगे, कोई केस लॉ तो नहीं आएगा और फैक्ट्स ऑफ द केस भी नहीं आएंगे, कोई केस नहीं है, तो सीधा फिर एंड में आपने लिख देना है कि हमने यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ट्रू क्यों है, कि सभी एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं बट सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, फिर आपने वो कंक्लूजन दे देना। तो मीन्स फैक्ट ऑफ द केस, केस लॉ इसमें नहीं आएगा, डिपेंड अपॉन आपको क्वेश्चन कैसा है।
आप कहोगे ये सीधा सीधा भी तो लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख दोगे तो ठीक है, बट ऐसा लिखोगे कि एक्ट ये एप्लीकेबल है, ये सेक्शन से एप्लीकेबल है, ये प्रोविजन है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही एक मेथड आप ऑप्ट कर सकते हो। केस स्टडी आगे उसमें तो ये पूरा जितना भी मैंने आपको ये बताया है कि इसी स्टाइल से ही आपने लिखना है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। आप क्वेश्चन नंबर टू स्टडी करें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टू देखिए, कहता है स्मॉल सा एक केस स्टडी है कि ए सेंड्स एन ऑफर टू बी, ए ने ऑफर दिया किसको, बी को ऑफर दिया कि वो सेल करना चाहता है उसका स्कूटर 140,000 में विद कंडीशन, इस कंडीशन के साथ में, ऑफर कंडीशनल हो सकती है, नो वरी, वो असेंशियल में है उसके, बट कंडीशन क्या है दैट इफ बी डज नॉट रिप्लाई विद इन ए वीक। अब मुझे बताओ, जैसे उसने ऐसा बोला, आपके दिमाग में कोई केस आया, आपके दिमाग में कोई केस आया, कल अभी हमने रिवीजन में केस किए थे फेल्ट हाउस वर्सेस वेंडले, यहाँ पर चाचा ने बोला था कि अगर बेटा तूने मुझे आंसर नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि हॉर्स मेरा है, तो वही आ गया ना। अल्टीमेटली देखो जो केस हमने किए हैं ना उन्हीं के साथ रिलेटेड थोड़ा आएगा, तो आपको याद रखने हैं वो, तो यहाँ पर केस भी हम कोट कर सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पर वो ऑफर के बारे में नहीं बात कर रहा, वहाँ ये कह रहा है कि तेरी एक्सेप्टेंस मैं कब मानूंगा अगर तू चुप रहेगा। बी डज नॉट रिप्लाई विद इन ए वीक, ही मतलब ए शेल ट्रीट द ऑफर एज एक्सेप्टेड, के एक्सेप्टेंस होगी। क्या एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स में ये लिखा है कि मेरे साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, वहाँ क्या लिखा हुआ है, और ये किस सेक्शन में लिखा है, सेक्शन टू बी में। तो यहाँ पर कौन सा प्रोविजन जो है आप कोट करोगे, सेक्शन कौन सा कोट करोगे, सॉरी टू बी। इज ए करेक्ट इन हिज प्रोपोजिशन, आप बताना कि क्या ए अपने प्रोपोजिशन में जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में इसको बिठाऊं, इसी स्ट्रक्चर में इसको बिठाऊं, तो एक्ट एप्लीकेबल कौन सा हो रहा है इस केस में, इस केस में एक्ट कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर आप लिखोगे इसके जो भी सेक्शन टू बी जो एक्सेप्टेंस वाला है, फिर प्रोविजन क्या है, प्रोविजन क्या बोलता है कि मेयर साइलेंस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस, तो और प्रोविजंस लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे केस लॉ कौन सा है, फेल्ट हाउस वर्सेस वेंटले, आपको केस वहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम एज इट इज़ जहाँ पर पेस्ट कर देना थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, फिर आप कंक्लूजन दे देना कि मिस्टर ए जो है इज़ नॉट करेक्ट इन प्रपोजिशन एज द अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजन, ये कंक्लूड किया जाता है कि मेयर साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस अमाउंट नहीं करते, और इवन जो एक्सेप्टेंस है वो आपको विद इन रीजनेबल टाइम देनी होती है, क्योंकि वहाँ वीक्स की बात की है ना कि विद इन ए वीक, वो भी रीजनेबल, वो भी आप साथ में लिख सकते हो। तो ऐसे आपने इसको आंसर करना है। तो चलिए यही वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दे बताती हूँ। लिखिए आप जो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे जो भी आपकी शीट होगी आंसर शीट, उसके सेंटर में लिखेंगे आंसर नंबर टू और उसको कर देंगे अंडरलाइन, और उसको कर देंगे अंडरलाइन, क्योंकि जो पेपर चेकिंग वाला होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा, वो आपसे भी ज़्यादा जल्दी में होता है, तो अगर उसको मिल गया अच्छा ये आंसर नंबर टू है फटाफट टिक करो, अगर उसको ढूंढने में परेशानी होती है ना वो परेशान हो जाता है, तो इसलिए आंसर को आप जो है वो सेंटर में लिखना आंसर नंबर टू। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उसी स्ट्रक्चर में लिखना है, सबसे पहले लिखिए एक्ट एप्लीकेबल, पीछे नहीं दिख रहा, दो मिनट लिखिए एक्ट एप्लीकेबल, अंडरलाइन कर दीजिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, यहाँ पर सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप पूरा लिख के आना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, 1872। ठीक है, पहले एक्ट एप्लीकेबल लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद उसका ये 2B क्या कहता है, उसी प्रोविजन को यहाँ पर आप लिखेंगे, उसी प्रोविजन को यहाँ पर लिखेंगे, लिखिए प्रोविजन लिखना है, लिखो पॉइंट्स में लिखना है पॉइंट्स में लिख दो, बुलेट्स में लिखना है तो बुलेट्स में लिख दो, इट्स अप टू यू आपको कैसे लिखना है। कहता है एक्सेप्टेंस टू बी, हमने रीड किया ना, तो क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड मेयरली, मेयरली मतलब सिर्फ
ऐसे देख के मेयरली फ्रॉम साइलेंस, फ्रॉम साइलेंस ऑफ एक्सेप्टर या ऑफरी, इवन इवन इफ इट इज, इवन इफ इट इज एक्सप्रेसली, अगर एक्सप्रेसली हमने कॉन्ट्रैक्ट में बता भी रखा है, सॉरी ऑफर में बता भी रखा है, तब भी नहीं होगा. इवन इफ इट इज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन ऑफर, अगर ऑफर में बोल भी रखा है तब भी हम मेयर साइलेंस को जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे. सेकेंड पॉइंट, इफ एक्सेप्टर, इफ एक्सेप्टर बाय हिज, बट यहाँ पर आप ये जरूर मेंशन करेंगे कि अगर एक्सेप्टर ने अपने कंडक्ट से प्रीवियसली ऐसा कुछ किया है कि उसके कंडक्ट से पता चलता है कि अगर वो चुप रहेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, एक्सेप्टेंस, तब उस केस में वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप न्यूज़पेपर लेते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर का आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है. अब सब्सक्रिप्शन मान लीजिए आपने पूरे ईयर का लिया है, जनवरी टू दिसंबर. अब दिसंबर के बाद वो न्यूज़पेपर देता रहता है लेकिन आपने सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करवाया, और एवरी टाइम ये होता है कि आप रिन्यू जो है वो लेट करवाते हो लेकिन न्यूज़पेपर वाले को बोलते हो कि मैं रिन्यू करवा लूँगा, तो न्यूज़पेपर जो है मुझे देता रहना. तो इट मीन्स कि अगर कभी आप कुछ बोलते भी नहीं हो, आप रिन्यू नहीं भी करवाते, तो वो वहाँ पर आपकी मेयर साइलेंस जो है वो एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी. मीन्स अगर प्रीवियस कंडक्ट में आपने ऐसा कुछ किया है जिससे ये पता चलता है कि आप अगर चुप रहते हो तो वो एक्सेप्टेंस है, तो उस केस में मेयर साइलेंस भी माना जाता है. ये लिखा हुआ है आपके नोट्स में. इफ एक्सेप्टर बाय हिज प्रीवियस कंडक्ट, बाय हिज प्रीवियस कंडक्ट, मतलब अपने कंडक्ट से ये इंडिकेट किया हुआ है उसने, दैट हिज साइलेंस, कि उसका जो साइलेंस है दैट इज अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, देन इट इज वैलिड एक्सेप्टेंस, तब हम इसको वैलिड एक्सेप्टेंस मान लेंगे, तब हम इसको वैलिड एक्सेप्टेंस मान लेंगे. ठीक है, सबसे पहला प्रोविजन आपने यहाँ पर कोट कर दिया कि आप जो है मेयर साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, बट अगर आपके कंडक्ट ने प्रीवियसली आपने ये मेंशन किया कि मेरी साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाए, तब एक्सेप्टेंस होगा. अब आपने प्रोविजन लिख दी, यही प्रोविजन है 2B में, तो ये लिखा हुआ है. फिर उसके बाद आप केस लॉ मेंशन कर दो अगर आपको याद है तो. अभी हमने तो किया है, मैंने आपको सभी केस लॉ बहुत अच्छी तरह करवाए हैं, फेल्ट हाउस वर्सेस वेंडले. आप एक बार स्पेलिंग लिख लेना बच्चे इनके, इस केस के, ठीक है, राइट. केस लॉ आपने मेंशन कर दिया, केस लॉ के बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है. और उसके बाद आप फैक्ट्स इन द केस, सॉरी फैक्ट्स ऑफ द केस बताएंगे. जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लिख देना, राइट द क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंज करके. ये नहीं मैं लिख रही, वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है. फिर आप कंक्लूड करोगे, आप कंक्लूजन दोगे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि फैक्ट्स ऑफ द केस के केस क्या है. अब आप कंक्लूजन दोगे कि एज पर अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजन, जो भी ऊपर के फैक्ट्स हैं, जो हमने प्रोविजन दी है उससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो ए का प्रोपोजिशन है रिगार्डिंग साइलेंस, मेयर साइलेंस इज ए एक्सेप्टेंस, वो करेक्ट नहीं है. तो ये लिखेंगे, कंक्लूजन लिखिए. कहता एज पर, आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ना इन क्वेश्चन को, तो आपको इजिली जो है पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, इजिली लिख पाएंगे. एज पर अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजंस, एप्लीकेबल टू इट वी मे कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट बी साइलेंस, कि बी का साइलेंस
does not amount to acceptance. So here the preposition of A is not correct. देखो, preposition of A is not correct. ठीक है, that's it. This is your case study. आपको ऐसे ही लिखने में थोड़ा सा small कर दूँ, ऊपर कर दूँ, लिख लो, लिख लो. Stop करके लिख लो बच्चे, stop करके लिख लो. ऊपर का भी करते हैं, stop कर लो, लिख लो. ठीक है, सबसे पहले एक्ट एप्लीकेबल लिखना है, उसमें आप बता दो जो भी सेक्शन है. आफ्टर दैट आप क्या देंगे, आप उसका प्रोविजन, जो भी प्रोविजन ये बोल रहा है, राइट. फिर आप केस लॉ आपको याद है आप लिख दीजिए. फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस बताएंगे कि केस में ऐसे लिखा हुआ है. और फिर आप ऊपर के फैक्ट्स एंड प्रोविजन के रिगार्डिंग कंक्लूड कर देना कि हमने ये कंक्लूड किया. तो ऐसे लिखोगे तो उसको जो है पढ़ने में भी ईजी रहेगा. अब आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आंसर तो दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि यही लिख दिया हुआ है कि एक्सेप्टेंस टू द ऑफरी कैन नॉट इम्प्लाइड मेयरली वही इवन इट इज एक्सप्रेसली अनलेस ऑफरी प्रीवियस कंडक्ट. यही मैंने आपके प्रोविजन में लिखा, लेकिन मैंने पॉइंट्स में लिख दिया. लिखा यही है, मैंने पॉइंट्स में लिख दिया. ये यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, मैंने एक्ट भी बता दिया, केस लॉ भी बता दिया. ठीक है, तो हम इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते. तो बी की साइलेंस हम ये कंक्लूजन में हमने लिख दिया. हाँ, ये लाइन आप साथ में लिख सकते हो कि अगर एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन ए टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एंड एक्सेप्टेंस आफ्टर द टाइम. ये इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ विद इन ए वीक है, पर उसने ये पूछा नहीं था. उसने तो ये पूछा ना कि उसकी साइलेंस को मैंने वो मान लिया. तो ये आप लिख भी सकते हो अपने रिस्क को कवर करने के लिए, और नहीं भी लिख सकते. अब इन्होंने दिया है तो आप, मैं तो यही सुजेस्ट करूंगी तो कि आप ये लाइन भी लिख लेना कि एक्सेप्टेंस जो है विद इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन ऑफर होनी चाहिए, अगर नहीं प्रिस्क्राइब्ड तो रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए. दैट्स इट. अगर टाइम लैप्स होने के बाद आप एक्सेप्टेंस देते हो, दैट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस. ये लिखा हुआ है. चलिए, ये हो गया आपका आंसर नंबर. अब हम करते हैं आंसर नंबर वन. पहला आंसर, जैसे मैंने बोला है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. इन्होंने जो आंसर दिया है ना, वो ऐसे प्लेन आंसर दे दिया. ऐसा भी दे सकते हैं, आप ऐसे टाइप में देना चाहते हो ऐसे में ले दो. जैसे मैंने आपको बोला है कि आप एक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको फिक्स स्ट्रक्चर दिया है उसमें देना है तो उसमें दे दो. यहाँ से ये आंसर भी पढ़ लो, मैं आपको अपने वाला आंसर भी लिखवा देती हूँ. आइए आंसर नंबर वन. आंसर नंबर वन, सॉरी. चलिए आइए आंसर लिखते हैं. आप मुझे बताओ, वैसे ही लिखना है, एक्ट एप्लीकेबल कौन सा है बताइए. एक्ट एप्लीकेबल कौन सा है, आपके दिल की आवाज़ मेरे पास पहुंच जाएगी. आप बोलो तो सही, कौन सा सेक्शन है. सेक्शन एक तो यहाँ पर 2H लगेगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है. किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का. दूसरा सेक्शन यहाँ पर जो एग्रीमेंट का है 2E, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो एप्लीकेबल हो जाएगा. फिर उसके बाद आपने उसके प्रोविजंस बताने हैं. प्रोविजंस में, मैं पीछे ही हो जाती हूँ, आप लिख लो. प्रोविजंस में आपने क्या बताना है. फर्स्ट आप लिखेंगे वही डेफिनेशन कि एग्रीमेंट क्या होता है. एन एग्रीमेंट, पहले पूरा एग्रीमेंट के बारे में बता दो, फिर पूरा आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दो. एन एग्रीमेंट कब एग्जिस्टेंस में आता है, कम इन टू एग्जिस्टेंस कब आता है, कब आता है मेरे बच्चे, कब आता है. जब, वेन प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन, वेन प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी और पर्सन इज एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्ट हो जाता है बाय अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है, तो हम एग्रीमेंट मानते हैं. जो एग्रीमेंट होता है, फिर हम बताएंगे एग्रीमेंट आर टू टाइप्स, सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट. सोशल और ऑब्लिक डोमेस्टिक भी लिख देना. फिर आप लिख देना कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट एग्रीमेंट
आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, बट लीगल एग्रीमेंट आर इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इसमें डिफरेंस मत लिख के आना, उसने डिफरेंस नहीं पूछा है। फिर आप फोर्थ पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिख देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वो वाला एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, वो वाला एग्रीमेंट होगा विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। फिर आप लिख देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट प्लस 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 क्या, इनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर लिख देंगे इन कॉन्ट्रैक्ट देयर इज ऑलवेज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हमेशा इंटेंशन होती है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। सो फिर लिख देंगे हम देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बस इतना लिख दीजिए, मीन्स इसमें प्रोविजन आएगी, कोई केस तो बताया नहीं था, तो एक्ट एप्लीकेबल बता देना और प्रोविजंस बता देना, बाकी जैसे उसने ऐसे में लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। ऊपर का देखो, स्टॉप करके लिख लो, चलिए नीचे का देखो, स्टॉप करके लिख लो, ठीक है, लिख लिए, लिख लो स्टॉप करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये भी एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आता है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे एक गुली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज, एक लगेज उसने उठा लिया टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बींग आस्क, रेलवे स्टेशन से लेके बाहर जाने लगा उसने, ए से कुछ नहीं पूछा, ए अलाउ हिम टू डू सो, ए ने उसको लॉबी कर दिया ऐसे करने से। आप बताओ कि ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बना, यहाँ कुछ उसने एक्सप्रेस किया ए ने, नहीं, कुली ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन दोनों के बिहेवियर से ये तो लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो यहाँ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको इसका आंसर कैसे करना है, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इसमें सीधा लिखना है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बताना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो बस उसको एक्सप्लेन आपको करना है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू ट्रू ऑनर, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहाँ पर कोई भी पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, बट हियर लॉ, जो लॉ है वो इम्पोज करता है उन पार्टीज पर कुछ ऑब्लिगेशंस, तो वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है वो होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी का मतलब लाइक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, रिजेंबल करता है, बट एक्चुअल वो वहाँ पर पार्टी जो है वो वॉलंटरली एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर होती, उनको लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता है, तो यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि लॉ बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है वो दूसरी की प्रॉपर्टी से रिच नहीं हो सकता। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी नेक्स्ट फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, बट बिफोर सप्लाई इज अफेक्टेड, 10 टन्स ऑफ शुगर की उसने सप्लाई का बोला,
बट जब वो शुगर सप्लाई करने वाला था उससे पहले ही फायर कॉट इन फैक्ट्री. अच्छा, पहले तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, फिर फैक्ट्री कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हुए कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कुछ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से अब आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते. तो उस केस में क्या बन जाता है? वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. आपको जस्ट इनके बारे में लिखना है कि व्हाट इज द इम्प्लाइड, व्हाट इज द क्वाजी एंड व्हाट इज द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. इसमें जो ये क्वेश्चन, ऐसा जब क्वेश्चन आता है आपको 2-2 मार्क्स का आता है, अगर तो आपने पहचान लिया कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 मार्क्स तो वही मिल गया. फिर उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दोगे 1 मार्क्स उसका मिलेगा. अगर पहले ही पहचानने में ही गलती कर दी तो बीच में लिखोगे भी तो उस गलत पहचान के बारे में, तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा. तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं. ये है हमारा आंसर नंबर 3. आइए चलिए आंसर नंबर 3 लिखिए. पहला कौन सा है? पहला कौन सा है हमारा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका बिहेवियर बता रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हो. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स, लिख लेना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, लिखो लिखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स. मेरा पेन नहीं चल रहा है, 2 मिनट लिखो. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज कम इन टू एग्जिस्टेंस comes into existence through conduct ya implication where the offer and acceptance where offer and acceptance is made otherwise than in words को छोड़ के जो हम करते हैं, it is implied contract. ये implied contract होता है या existence through the conduct or behavior of a person, where offer and acceptance is made through the conduct or behavior, ऐसा भी लिख सकते हैं आप. Second, quasi contract. आपको सिर्फ लिखना है कि ये contract कौन सा है, आपने पहचान लिया ठीक है, तो उसके बारे में बताओ कि क्या होता है. When there is no actual contract. Actual contract यहाँ कुछ नहीं होता, कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता. बट ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय लॉ, दिख रहा है ना बेटा आपको? हाँ, इम्पोज्ड बाय लॉ. तो ऑब्लिगेशन एक पॉइंट, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो कि ये दूसरा पॉइंट, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स टू रिटर्न इट टू ट्रू ऑनर इज पार्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं, ठीक है ना? आपको कोई और लाइन भी याद आए तो लिख लो, वैसे 2 पॉइंट में सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट. फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले क्या था, वैलिड था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस और चेंज इन लॉ, उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, अब इनफोर्स नहीं किया जा सकता. By law becomes when it ceases to be
इनफोर्सेबल। वॉइड लिखा ही नहीं मैंने, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। सीजेस टू बी इनफोर्सेबल अगर हो गया, वो तब वॉइड हो जाता है जब वो इनफोर्सेबल होना बंद हो गया, सीज हो गया, स्टॉप हो गया, अब इनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। दस ये फर्स्ट पॉइंट लिख दो ऐसे बुलेट्स में, फिर सेकंड पॉइंट लिख दो। दस ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दस ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। दैट्स इट। तो दिस इज अबाउट, देखो स्टॉप करो, देखो स्टॉप कर लो, हाँ स्टॉप कर लो, स्टॉप कर लो, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसमें एक बार में डायरेक्ट, बाकी डायरेक्ट आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि वो लिखा हुआ है, मैं आपको केस स्टडी से लिखवाऊंगी क्योंकि उसमें ही दिक्कत आती है। फोर्थ देखो, फोर्थ केस स्टडी आइए। कहते शंभू दयाल स्टार्टेड सेल्फ सर्विस सिस्टम इन हिज शॉप। श्रीमती प्रकाश एंटर द शॉप, सेल्फ सर्विस थी ठीक है, वो शॉप में एंटर करती है, टुक ए बास्केट, बास्केट लेती हैं, टेकिंग कुछ अपने आर्टिकल्स लेती हैं ऑफ हर चॉइस इन द बास्केट, रीच द कैशियर, कैशियर के पास पहुंचती हैं पेमेंट के लिए, कैशियर रिफ्यूज कर देता है वो प्राइस एक्सेप्ट करने के लिए। जो शंभू दयाल होती है वो कंपेल्ड करती है कि वो आर्टिकल जो है वो अच्छा यहाँ बोला कि शंभू दयाल को क्या कंपेल किया जा सकता है कि वो श्रीमती प्रकाश को वो आर्टिकल्स जो है वो सोल्ड करे, डिसाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो मैंने कहा था कि जो शॉप में प्राइस कोट किया जाता है वो ऑफर नहीं होता, वहाँ पर अगर आप आर्टिकल्स ले लेते हो तो इट मीन्स वो एक्सेप्टेंस अमाउंट नहीं होगा, तो जो भी प्राइसेस कोट होता है वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, उसके बाद आप ऑफर करते हो तो जो शॉपकीपर है वो एक्सेप्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। तो क्या यहाँ पर कंपेल किया जा सकता है उस शॉपकीपर को कि वो जो भी प्राइस उसने दिया है कि उस सेट प्राइस पर वो आर्टिकल्स को सेल करें, क्या वो उसके लिए बाइंड है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। तो ऑफर की डेफिनेशन जो दी हुई है वो तो सेक्शन 2A में, वो प्रोविज़न आप लिख देंगे, वो सेक्शन कोट कर देंगे, फिर आप बताएंगे प्रोविजंस में कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द इनविटेशन टू ऑफर, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर अगर होता है जैसे प्राइस को कोट करना, ये इनविटेशन टू ऑफर है, तो यहाँ पर आप जो है वो सामने वाली पार्टी को बाउंड नहीं कर सकते कि जब आप वो उस प्राइस पर एग्रीड हो जाते हो, इट मीन्स कि आप ऑफर दे रहे हो, वो उसके पास चॉइस है, ऑप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है और नहीं भी, तो आपने प्रोविजंस देनी है ठीक है। और उसके बाद आपने जो है इसमें आप केस भी दे सकते हो तो यहाँ पर आपने प्रोविजंस देनी है, आपने बताना है सारा बताकर, फिर उसके बाद आप फैक्ट ऑफ द केस बताएंगे, फैक्ट ऑफ द केस बताने के बाद आप कंक्लूजन दे देंगे ठीक है। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक केस लॉ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा जो हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं। एक वो केस था जिसमें तो उसने पेन का जो है प्राइस पूछा था, कोटेशन वाला कोई केस लॉ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। चलिए लिखिए आंसर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर फोर लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले एक्ट एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है बच्चे मुझे बताओ, कौन सा सेक्शन यहाँ पर बताएंगे आप? ऑफर का तो बताएंगे ना, तो सेक्शन यहाँ पर 2A बताएंगे कि ऑफर क्या बोला जाता है, कि ऑफर क्या होता है ठीक है, तो 1872। हाँ नहीं बताना चाहते, कोई सेक्शन नहीं बताना चाहते तो नहीं बताओ। फिर उसके बाद आप प्रोविज़न, इसकी प्रोविजंस लिखोगे, प्रोविज़न में आप डिफर करोगे कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है और ऑफर क्या होता है। प्रोविजंस लिखिए, पॉइंट्स में लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, पूरा लिखना है, मैं यहाँ पर ITO लिख रही हूँ, आप इनविटेशन टू ऑफर लिखना।
आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स, दो डिफरेंट थिंग्स हैं, सेम नहीं मान सकते आप इनको. जो ऑफर होता है, सेकंड पॉइंट, जो ऑफर होता है इज फाइनल, इज फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, विलिंगनेस बाय ऑफरर, बाय ऑफरर टू बी bound by his offer. But जो invitation to offer होता है, ITO मतलब invitation to offer, on the other hand only proposes to the term on which party is willing to, ये terms बताती है कि जिस पे हम negotiate कर सकते हैं, willing to negotiate. ये final expression नहीं होता है. और क्या बता सकते हैं आप invitation to offer के बाद में, कि invitation offer जो होता है does not amount to offer, does not, इसको offer नहीं माना जा सकता offer, but in turn involves, sorry, in turn invokes मतलब उसको उकसाता है कि other party आपको offer दे, other party invokes करता है other party को to make offer, कि वो party आपको offer करे. बस बाकी आप ये भी लिख सकते हो quotation, price tag in shop is a type of invitation to offer, not a offer. ये भी लिख सकते हो आप. फिर उसके बाद आप facts of the case बताएंगे कि क्या थे. वो same question आप as it is लिख देना, यहाँ पर लिख देना. देन आप कंक्लूजन करोगे. तो कंक्लूजन में बताओगे कि एज पर अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कंक्लूड दैट एज पर द अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इट मीन्स इस केस को वी कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, वी कंक्लूड दैट, नाम क्या था उसका पर्सन का, दोनों का नाम क्या था, यहाँ पर दिया हुआ है, श्रीमती प्रकाश थी और उस पर्सन का नाम क्या था, श्याम दयाल. अभी कहाँ है पता नहीं, लिखा नहीं, ऊपर देखते हैं. शंभू दयाल और श्रीमती प्रकाश. ठीक है, देखो हम ये कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट ऊपर लग दें दैट कि श्रीमती प्रकाश कैन नॉट force to Shambhu Dayal, ऊपर से स्पेलिंग देख लेना इनके नाम के भाई, Dayal to accept, D capital आएगी ना, to accept the price self service shop as it is merely an invitation to offer.
क्योंकि ये तो इनविटेशन टू ऑफर था, दैट्स इट। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखना है आपने कंक्लूजन, ऊपर फैक्ट्स एंड प्रोविजंस के बेस पे देना है। चलो स्टॉप कर लो, स्टॉप कर लो, स्टॉप करो, तो लिख लेना। ठीक है, तो ये फोर्थ का आपका आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टेट वेदर देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, ये डायरेक्ट आंसर्स है, ये आपको यहीं से करवा दूंगी, फिर सिक्स हम करेंगे। कहता ए एंगेजेस बी टू डू सर्टन वर्क एंड रेमुनरेशन टू बी पेड एज फिक्स्ड बाय सी, क्या यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? देखो यहाँ पर क्या है कि ए ने बी को एंगेज किया, पर जो कंसिडरेशन आ रहा है वो थर्ड पार्टी से आ रहा है। हो सकता है हमने कहा किया था कि थर्ड पार्टी से भी जो है कंसिडरेशन जो है वो आ सकता है, तो आप लिखते हुए कि हाँ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होगा। तो कैसे लिखा हुआ है यहीं से देख लेते हैं। ये वाला तो क्या है, ये कि ये एक वैलिड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सिर्फ आपको मेंशन करना ज़्यादा नहीं है, तो इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है। ये 1-1 मार्कर होता है, इतना ही लिखना होता है आपको। ए एंड बी प्रॉमिस टू पे द स्टडीज ऑफ देयर मेड सन, अब क्या यहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा? नहीं, ये एग्रीमेंट है, ये एक सोशल एग्रीमेंट है। तो सोशल एग्रीमेंट जो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं या कोई लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती, तो ये एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज ए सोशल एग्रीमेंट। नेक्स्ट, ए टेक्स सीट इन पब्लिक बस, अब यहाँ पर पब्लिक बस में अगर आप सीट ले लेते हो तो मींस यहाँ पर आप अपने कंडक्ट से जो है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो है वो एग्जिस्टेंस में, क्योंकि बिहेवियर के थ्रू आप जो है या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड नहीं हो रही, लेकिन आपका बिहेवियर बता रहा है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ए इज बाउंड टू पे द बस फेयर, क्योंकि बस आती है, अगर स्टैंड पे रुकती है वो ऑफर कर रही है, आप जाते हो बस में बैठते हो तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो आप। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉमिसेस टू हेल्प हिज फ्रेंड टू फाइल हिज रिटर्न, ये तो एक तरह से सोशल एग्रीमेंट हो गया ना कि भाई दोस्ती जारी में ये तो हो रहा है, तो यहाँ पर कोई लीगल इंटेंशन नहीं है इसकी, राइट? तो यहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक सोशल एग्रीमेंट होगा, यहाँ कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप की। ये वन लाइनर होता है, ये सिंपल आपके आंसर्स थे। चलिए लास्ट आपका क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, ये थोड़ा केस स्टडी है, इसको हम इसी स्ट्रक्चर में ही करेंगे। आइए, मिस शकुंतला पुट्स एन एप्लीकेशन टू बी अ टीचर इन ए स्कूल, अच्छा ये टीचर की जॉब के लिए एप्लीकेशन स्कूल में डालती हैं। शी वॉज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्ट ऑफ द स्कूल, अच्छा ट्रस्ट ऑफ स्कूल जो है उसको अपॉइंट भी कर लेता है। हर फ्रेंड हु वर्क्स इन द सेम स्कूल इन्फॉर्म्स हर अपॉइंटमेंट इनफॉर्मली, अच्छा जो अपॉइंटमेंट का उसको मिला है इंफॉर्मेशन वो इनफॉर्मली मिला है, नॉट फॉर्मली। बट लेटर ड्यू टू सम इंटरनल रीजन, कुछ इंटरनल रीजन की वजह से उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है। क्या मिस शकुंतला क्लेम फॉर डैमेजेस, क्या डैमेजेस के लिए वो क्लेम कर सकती है? देखो वही ये वाला हमारा रेलवे वाला जो केस था वो यहाँ पर आप कोट कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पर भी जो पर्सन था उसने रेलवे कंपनी को लिखा था कि मैं आपको कोल सप्लाई करूंगा, बट वहाँ पर एक्सेप्टेंस जो है उन्होंने अप्रूव तो कर दिया था लेकिन अभी ड्रॉअर में था, उनको फॉर्मली कभी भी ऑफरी को हमने एक्सेप्टेंस भेजी नहीं। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होती है बताइए, एक्सेप्टेंस कंप्लीट क्या होती है? जहाँ पर सेक्शन 4 कोट करना पड़ेगा, आपको सेक्शन 4 कोट करना पड़ेगा, कंप्लीशन ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? जब उसके नॉलेज में आ जाए, और नॉलेज में कब आए? जब एक्सेप्टर ने मतलब फॉर्मली उसको एक्सेप्टेंस भेजा हो। तो यहाँ तो एक्सेप्टेंस भेजा ही नहीं कभी भी, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट जब हुई नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं, और यहाँ पर वो डैमेजेस के लिए क्लेम भी नहीं कर सकती। तो वहाँ पर यहाँ पर हम सेक्शन 4 को कोट कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं इसको, आइए 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 मालिक आइए, कौन सा क्वेश्चन है? आंसर 6 ना, आइए आंसर 6 लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप आंसर 6, पहले एक्ट एप्लीकेबल लिखेंगे।
देखो एक्ट एप्लीकेबल, इसमें मैंने कहा कि आपको एक तो बताना पड़ेगा, एक तो आपको सेक्शन 4 कोट करना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। सेकंड आपको सेक्शन 2B के बारे में भी बताना पड़ेगा कि कंप्लीशन हम कब मानते हैं, जब एक्सेप्टर जो है उसको, जो है जिसको आपने ऑफर दिया है वो एक्सेप्टेंस भेजता है, तो 2B भी आपको एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग बताना पड़ेगा। ये दो सेक्शन इस पर लगेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर प्रोविजन्स की डिस्कशन करेंगे। प्रोविजन्स में लिखिए, पहला प्रोविज़न कहता है कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाती है। कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कब एग्जिस्टेंस में आता है, व्हेन ऑफर, जब ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाती है, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड, ये लिखेंगे। फिर सेकंड और क्या लिखेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब ट्रिगर्स होता है, ऑब्लिगेशन तब ट्रिगर्स करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लिखो, तब कंप्लीट होती है, ऑब्लिगेशन बाद में लिखेंगे, इज कंप्लीटेड तब कंप्लीट होती है, सेक्शन 4 कहता है कंप्लीटेड, व्हेन एज अगेंस्ट प्रपोजर, बताइए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है एज अगेंस्ट प्रपोजर एज पर द सेक्शन 4, जब जो एक्सेप्टेंस है वो इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स जो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर हो जाती है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट प्रपोजर, कब कंप्लीट होगी, व्हेन एक्सेप्टेंस is put in course of transmission, put in course of transmission. Next, mere acceptance, सिर्फ आपने acceptance कर ली पर communication नहीं की, mirror मतलब सिर्फ acceptance कर ली बट विदाउट कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेशन तो भेजी नहीं, विदाउट कम्युनिकेशन डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। बस ये आपने प्रोविजन लिख दिया, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो, केस लॉ लिखना है तो लिख दो, केस लॉ यहाँ पर कौन सा आएगा, वही अपना ब्रॉकडन वाला, ब्रॉकडन वर्सेस रेलवे मेट्रोपॉलिटन कंपनी, वो लिख दिया। फिर उसके बाद आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो, सेम क्वेश्चन को यहाँ पर आपने कॉपी मार देना है, देन आपने कंक्लूजन लिखना है, फिर आप कंक्लूजन यहाँ पर फ्रेम करेंगे, क्या लिखेंगे कि एज पर द अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजंस, एज पर द above facts and provisions applied to it, apply to this case, it is conclude that person ka naam kya tha Shkuntala that Miss Shkuntala cannot enforce contract against school.
इन स्कूल फिर लिख सकते हो, एज देयर इज नेवर एनी कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस फॉर्मली, ये भी लिख सकते हो, इतना भी लिख दोगे बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से लिख लो, स्टॉप करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर वन का केस स्टडीज का रिविजन। फर्स्ट रिविजन भी हो चुका था, केस स्टडी के साथ मैंने रिविजन दिया है, फिर मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कराए, ऐसे ही यूनिट टू का भी होगा। चलिए अब यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, अब हम यूनिट टू की प्रैक्टिस करेंगे। ओके बाय बच्चा।